Welcome students to channel study 24/7 and myself Samrat. And guys, this is the video of English previous year questions. तो part 1, part 2 और already upload हो चुके हैं. ये part 3 है. इसमें 2013 और 2014 के idioms और phrases को मैं discuss करने वाला हूँ. ठीक है. So guys, हम start करते हैं. देखिए 2013 में जो question आए थे उसको पहले discuss करेंगे idioms से. Your remarks during the discussion added fuel to the fire. देखिए guys, कुछ students बोलते हैं कि सर ये repeat नहीं होते phrases, लेकिन कुछ repeats होते हैं guys. इसलिए हमें, और मेरा main motive क्या है, हम previous year के अगर questions paper वैसे देखने बैठे तो 200 question English के एक paper में देखना यानी बहुत boring feel होता है, right? अगर हम उसको part में divide करके अगर देखेंगे तो फिर हमें ये आसानी जाती है. पेपर कितना भी बड़ा हो, पार्ट पार्ट में अगर हम उसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो फिर हमें आसानी जाती है. तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 100 क्वेश्चंस हो या फिर इंग्लिश के 200 क्वेश्चंस हो, एसएससी सीजीएल टीयर 2 में जो आते हैं, तो इसीलिए मैं प्रीवियस क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए. सो अगर 10-15 मिनट के वीडियो में आपको पार्ट वाइज पूरे पेपर का अगर एनालिसिस मिल जाता है कुछ वीडियोस के थ्रू, सो गाइज इसमें कौन सी बुरी बात है. तो हम स्टार्ट करते हैं. तो गाइज इसका मीनिंग होता है एडेड फ्यूल टू द फायर का वर्सन द मैटर्स, जो होता है वर्सन द मैटर्स, और जो कोई चीज़ है उसको और बुरी करना और वर्सन करना, ये होता है उसको वर्सन द मैटर्स. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट डू यू, व्हाई डू यू फाइट शाय ऑफ मी. फाइट शॉय ऑफ मी का मीनिंग हमें पता करना है यहाँ पे. तो इसका मीनिंग होता है गाइज अवॉइड, किसी को अवॉइड करना यानी फाइट शॉय ऑफ मी. ठीक है. नेक्स्ट, दे हैव लैच ऑन टू टूरिज्म एज अ वे ऑफ बूस्टिंग द लोकल इकोनॉमी. ठीक है. दे हैव लैच ऑन टू टूरिज्म. ठीक है. सो लैच ऑन टू का मीनिंग होता है गाइज यहाँ पे डिस्कवर. ठीक है. बी यहाँ पे मीनिंग रहेगा डिस्कवर. ठीक है. व्हेन ही आस्क्ड मी द वे टू द कैफेटेरिया आई टोल्ड हिम टू फॉलो हिज नोज. ठीक है. सो फॉलो हिज नोज का मीनिंग होता है टू गो स्ट्रेट हेड अहेड. टू गो स्ट्रेट अहेड मीन्स फॉलो हिज नोज. ठीक है. यानी किसी ने अगर कुछ बताया तो, यानी अगर हम बोलते चलो मेरे साथ चलो मैं एड्रेस बताता हूँ आपको, तो हम इनडायरेक्टली क्या करें, फॉलो हिज नोज. ठीक है. नेक्स्ट, विनिंग दी, थोड़ा यार ये जो पेपर है 2013 का थोड़ा ब्लर्ड था गाइज. ये ऐसी कॉपी, स्कैन कॉपी मुझे मिली है तो फिर समझ लीजिए. विनिंग दी कॉम्पिटिशन वॉज क्वाइट अ फीदर इन माई कैप. तो क्वाइट अ फीदर इन माई कैप का मीनिंग होता है अचीवमेंट. अचीवमेंट को कहा जाता है फीदर इन माई कैप. ठीक है. माई फादर्स डीलिंग्स आर ओपन एंड अबव बोर्ड. माई फादर्स डीलिंग एंड आर ओपन एंड अबव बोर्ड. एंड ओपन एंड अबव बोर्ड, तो फिर अबव बोर्ड का मीनिंग होता है विदाउट एनी सीक्रेट. कोई बात अगर आप ओपनली कह रहे हैं, प्रॉपरली कह रहे हैं, तो अबव बोर्ड कहा जाता है उसे. विदाउट एनी सीक्रेट उसका मीनिंग होता है. ठीक है. नेक्स्ट गाइस, आफ्टर द पब्लिक मीटिंग द क्राउड वेंट हेवायर. हेवायर मीनिंग है इसका HAYWIRE. हेवायर का मीनिंग होता है आउट ऑफ कंट्रोल, बिकेम आउट ऑफ कंट्रोल. ठीक है. क्राउड आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है. ही ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ द स्टोरी. ही ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ द स्टोरी, तो इसका रियल तो इन्होंने पास्ट टेंस लिखा है, लेकिन ब्रेक ऑफ होता है फ्रेज, तो इसका जो पास्ट में अगर हम इसको बोलेंगे तो ब्रोक ऑफ बोलते हैं. तो गाइस सडनली स्टॉप, अगर हम अचानक किसी बीच रुक जाए कुछ बताते समय, तो ब्रोक ऑफ कहा जाता है. तो सडनली स्टॉप उसका मीनिंग होता है. नेक्स्ट, सम शॉट्स वेयर फायर्ड एट रैंडम. एट रैंडम का मीनिंग होता है विदाउट एनी एम. कुछ उन्होंने एम रखे नहीं थे और फायर किया, यानी विदाउट एनी एम. आई कैन फिनिश द वर्क बाय माई सेल्फ बट शी ऑलवेज ट्राइज टू बी अ बैकसीट ड्राइवर. इस बैकसीट ड्राइवर का मीनिंग होता है अनवांटेड एडवाइस. कुछ लोग होते हैं ना गाइज, आप कुछ काम करते हैं और वो बोलते हैं मैंने इसको ये बताया था, लेकिन उन्होंने बताया कुछ नहीं होता है. एक हाथ चीज़, यानी वो भी एक हाथ कभी बताई होती है, लेकिन वो हमेशा ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि हमने बताया. तो इसे उन्हें कहा जाता है बैकसीट ड्राइवर. जो लोग अनवांटेड, हमें उनका एडवाइस की ज़रूरत नहीं होती लेकिन फिर भी देते हैं अनवांटेड एडवाइस. तो इसका आंसर डी होगा गाइस. नेक्स्ट, अभी 2014 के हम देखेंगे गाइस इडियम्स और फ्रेजेस. द जज डिक्लेयर्ड द एग्रीमेंट नल एंड वॉइड. द जज डिक्लेयर्ड द एग्रीमेंट नल एंड वॉइड का मीनिंग होता है एनुल्ड. एनुल्ड यानी इनवैलिड.
इनवैलिड बताया जज ने एग्रीमेंट को, तो उसे कहा जाता है एनुल्ड। ठीक है, नेक्स्ट, आई स्टर्ड द हॉर्नेस्ट नेस्ट बाय माय ऑनेस्ट स्टेटमेंट। तो हॉर्नेट्स जो नेस्ट, इसका जो मीनिंग होता है गाइज, ये होता है रिस्पॉन्डेड टू क्रिटिसिज्म एंग्रीली। ठीक है, देखिए, अगर आप समझो, फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कोई चीज़ में चीट कर रहे हैं और आपको उसके बारे में ज़्यादा पूछा जाए तो आप एंग्रीली बताएंगे, एंग्री थोड़े गुस्सा आएगा। ठीक है, तो इसे कहा जाता है रिस्पॉन्डेड टू क्रिटिसिज्म एंग्रीली। ठीक है, हॉर्नेट्स नेस्ट का मीनिंग होता है। नेक्स्ट गाइज, ऑन सेकेंड थाट्स शी रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट हिज इन्विटेशन। सेकेंड थाट्स होता है गाइज, इसका मीनिंग होता है ऑन री कंसिडरिंग। ठीक है, किसी ने आपको फिर से बताया कि यार, अरे उस जैसे एक आध फ्रेंड को आपको बुलाना नहीं है पार्टी में, और किसी फ्रेंड ने बताया नहीं यार बुलाना चाहिए, कुछ ये बेनिफिट आपको अगर बताया है, तो आपने रिकंसिडर करके उसको फिर से इन्विटेशन भेजा, तो सेकेंड थॉट पे उसे कहा जाता है तो ऑन रिकंसिडरिंग। ठीक है, ही नोज़ हाउ टू ब्रेक इन हॉर्सेस। तो ब्रेक इन का मीनिंग क्या होता है, ट्रेन, कि डोमेस्टिक एनिमल को ट्रेन करने को ब्रेक इन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे ब्रेक इन का मीनिंग ट्रेन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हॉर्सेस या किसी भी डोमेस्टिक एनिमल का नाम अगर आता है तो फिर उसका मीनिंग ट्रेन होता है। अगर कोई अदर चीज़ आती है तो गाइस ब्रेक इन के बहुत सारे मतलब होते हैं, फिर फोर्सिबली भी होता है, किसी चीज़ को फोर्सिबली तोड़ना ये वो। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल का नाम यूज़ हुआ है ब्रेक इन के साथ, इसलिए ट्रेन, उसको पता है हॉर्स को कैसे ट्रेन करना है ये। ठीक है, नेक्स्ट, वी शुड बरी द हैचेट एंड बिकम फ्रेंड्स। तो बरी द हैचेट एंड बिकम फ्रेंड्स का मीनिंग होता है मेकअप पीस। तो बरी द हैचेट का मीनिंग होता है मेकअप पीस एंड बिकम फ्रेंड्स, एंड जो हमारे झगड़े थे वो ख़त्म कर देते हैं और फ्रेंड्स बन जाते हैं। ठीक है, ऐसा इसका मीनिंग होता है। तो बरी द हैचेट का मीनिंग होता है मेक पीस। हिज प्लान वॉज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट हिट फ्लर्ड हिज लिसनर। इट फ्लर्ड का मीनिंग होता है गाइज पजल्ड। ठीक है, यानी किसी को कंफ्यूज कर दिया आपने कुछ बताते समय, तो उसे होता है पजल्ड, या किसी को आपने इनवाइट नहीं किया है और वो उस पार्टी में आ गया, तो आप वो फ्लर्ड हो गए, आपकी सिचुएशन फ्लर्ड जैसी हो जाएगी, पजल्ड हो जाएंगे। ठीक है, सो ये इसका मीनिंग होता है गाइस। नेक्स्ट, द ब्रिज गेव वे अंडर द हेवी वेट। गेव वे का मीनिंग हो जाएगा गाइस कोलैप्स्ड। ठीक है, हेवी वेट के कारण कोलैप्स हो गया है। माई अंकल्स बिजनेस हैज़ गॉन टू द डॉक्स। हैज़ गॉन टू द डॉक का मीनिंग होता है गाइज इज रुइन, यानी इसका लॉस हो गया, बहुत ख़त्म हो गया बिजनेस। ठीक है, इज रुइन, हैज़ गॉन टू द डॉक्स का मीनिंग होता है इज रुइन। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्पाइट द हाइज एंड लोज लाइफ टेंड्स टू एवरेज इट सेल्फ आउट। तो यहाँ पे बताया हुआ है कितने भी हमारे लाइफ में हाई आए लो आए, यानी अच्छे मोमेंट्स आए बुरे मोमेंट्स आए, लेकिन हमारी लाइफ जो है टेंड्स टू एवरेज इट सेल्फ आउट। तो इसका मीनिंग होता है बैलेंस इट सेल्फ, बैलेंस करती है लाइफ हमारी। ठीक है, तो एवरेज इट सेल्फ आउट का मीनिंग होता है बैलेंस इट सेल्फ। नेक्स्ट, शीलाज टॉल टेल्स हैव नो मीनिंग। शीलाज टॉल टेल्स हैव नो मीनिंग का मीनिंग होता है गाइस बूस्टिंग। ठीक है, यानी एक्सेसिव प्राइड के साथ अगर हम कोई भी चीज़ कहते हैं, एक्सेसिव प्राइड यानी किसी को उस पर विश्वास नहीं होता, ऐसी चीज़ अगर हम कहते हैं तो उसे बोस्टिंग कहा जाता है, तो टॉल टेल्स भी उसको कहा जाता है गाइज। ठीक है, तो सो गाइज थैंक यू सुनने के लिए। ये कुछ इडियोम्स और फ्रेजेस थे 2013 और 14 के, 2015 के मैं अपलोड करूँगा इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें, और फिर हमारे इडियोम्स और फ्रेजेस 6 साल के कंप्लीट हो जाएंगे, और फिर मैं क्लोज टेस्ट इस टॉपिक पे जाऊँगा गाइज, फिर इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्विचेस, फिर एक्टिव वाइज पैसिव वाइज। तो गाइज मेरा मोटिव एक ही है, इस इंग्लिश के वीडियो में मुझे कमेंट मिले कि सर इसका मीनिंग इसमें पढ़ने में क्या पॉइंट है। सो गाइज पॉइंट की बात नहीं है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके आप उसके उसको थॉरो कर लेते देख देते हैं तो गाइज आपको एक आइडिया मिल जाती है क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, और शायद से हम देखिए टाइप वही रहता है, क्वेश्चंस बदलते हैं, तो हम यहाँ पे हमें सॉल्व करने का भी एक तरीका मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे आने वाले जो टॉपिक्स है एक्टिव वाइज पैसिव वाइज डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच, तो उसमें भी हमें आने वाले उसमें हमें तरीके मैं बताऊँगा आपको सॉल्व करने के। ठीक है, सो गाइज इस वीडियो को सब्सक्राइब आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मोर वीडियोस के लिए तो आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको अपडेट मिलेगा वीडियो अपलोड होने के बाद और आप जल्दी से जल्दी देख पाएंगे। लाइक कीजिए गाइस, कमेंट दीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ। एंड गाइस ये ऐप है
ये ऐप आप ये QR कोड से स्टडी 247 ये ऐप आप इस QR कोड को आपके एंड्रॉयड फ़ोन से स्कैन कीजिए तो आपको ये ऐप डाउनलोड हो जाएगा और आपको जो भी वीडियोस है आपके मोबाइल फ़ोन में इस ऐप थ्रू आपको मिलेंगे गाइज। तो आप स्कैन कर सकते हैं मोबाइल को स्क्रीन, ये जो लैपटॉप स्क्रीन पे मैं QR कोड दिखा रहा हूँ इस पे आप स्कैन कर सकते हैं आपके एंड्रॉयड फ़ोन से। तो आप स्कैन करने के बाद ये ऐप डाउनलोड हो जाएगा गाइज़। ठीक है, सो गाइज़ थैंक यू, दिस इज़ सम्राट साइनिंग ऑफ।